हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके द्वार प्यार की वजह से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ दूध मैंने बहुत टाइम तक उबाल के रख दिया है और इधर मटर। इतना कुछ देख के समझ रहे होंगे कि आज कुछ तो है। तो मेरा बेटा का जो पहला मतलब बर्थडे वाला दिन का ब्लॉग मैं दिखा चुका हूँ, ये है बर्थडे का पार्टी वाला ब्लॉग। बर्थडे हो और पार्टी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इधर मैंने बर्थडे का पार्टी वाला, मेरा मम्मी पापा को मैंने इन्वाइट किया था और मेरा मम्मी पापा आ रहे हैं और मेरा कुछ अपना फुआ सास उनका बेटा लोग आ रहा। तो खाली फैमिली लेके मैं एक पार्टी मनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बेटा को इच्छा था कि मम्मा मुझे घर में केक काटना था। तो ये जिस दिन हम लोग आपका मॉल गए थे उसका सेकंड डे वाला है। तो यहाँ मैंने सेवई बना रहा, दूध को मैंने बहुत टाइम तक उबाल के रख दिया था। सेवई को मैंने बहुत अच्छे से भूंज लिया और भूंजने के बाद दूध में मैं ऐड कर दूंगी और मैंने गैस में चढ़ा दिया। उधर मैंने इंडक्शन में मटर चढ़ा दिया था आलू का साथ उबालने के लिए, क्योंकि और इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट और तेज़पत्ता डाल दिया और ये खीर बन चुका है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था बहुत सारा चीनी, बहुत ही टेस्टी खीर बना था। और यहाँ मैंने फैट वाला दूध लिया था। अभी मैं जो खाना बना रही हूँ, मैं खा पी के आधा घंटा रेस्ट कर लिया था लंच करने के बाद। फिर मैं दोपहर का टाइम बना रही हूँ, क्योंकि आज हम रात का लंच के लिए सबको इन्वाइट किया है, डिनर के लिए, रात का डिनर के लिए मैंने इन्वाइट किया था इसी वजह से। तो क्योंकि शनिचर था तो मैंने सब कुछ निरामिष बनाने का कोशिश किया, क्योंकि शनिचर को मेरे मम्मी पापा भी नहीं खाते हैं और मेरा फसास लोग भी और हम लोग भी नहीं खाते हैं, आप लोग को पता होगा। तो मैंने खीर बना लिया था और खीर बनाने के बाद मैंने यहाँ फटाफट से पनीर काट लूँगी। मैंने सोचा पनीर का कुछ रेसिपी बनाया जाए, निरामिष में पनीर छोड़ के और क्या बनाए। तो क्योंकि हम लोग हो गए थे 10 आदमी, तो पनीर मैंने 2 पैकेट यहाँ पर मंगाया था, 1 पैकेट में नहीं होगा। और एक बात आपको बोलते, पता नहीं मेरा बेटा का नसीब इतना अच्छा है। उस दिन मेरा घर ऐसे ही बहुत कोई आया था, एक वीडियो क्लिप मैंने नहीं ले पाया था, जो सब कोई आया था मेरे बेटे को विश करने के लिए, इधर आया था तो मिलने के लिए आया था। और सेकंड वाला वीडियो क्लिप मैंने लिया है जो मैंने यहाँ पर शेयर किया। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखते जाइए, आप लोग को आई होप सब बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉच माई वीडियो। तो इधर मैंने पनीर को बहुत अच्छे से काट लिया था और इधर मैंने काजू, किशमिश और पस्तू और थोड़ा सा नारियल डाल के पीस लूँगी, मिक्सी में इसको एक पेस्ट बना लूँगी। तो इसमें मैंने काजू, किशमिश और नारियल और पस्तू डाला था और पनीर में मैंने नमक और हल्दी लगा के अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, क्योंकि पनीर में अगर नमक और हल्दी लगा के अच्छे से मैरिनेट करके भूंजेंगे तो पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एक बात बोलते, घर में अगर कोई आने वाला होता तो टेंशन बहुत ज़्यादा लग जाता। और इधर जो अगर आप लोग को व्हाइट दागे देख रहा, तो मैंने यहाँ पर दूध रखा था तो लक्ष्मण रेखा दे के रखा था, अभी चींटी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। तो अब मैं बहुत अच्छे से पनीर को भूंज लूँगी। मैं दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा सा भी रेस्ट करने गया तो मेरा माथा में वही चल रहा था कि इतना सारा काम कैसे इतना जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत लेट बोला कि मुझे आज रात को केक काटना है और मेरे मम्मी पापा को आने के लिए ज़बरदस्ती किया कि नहीं आना ही पड़ेगा नानू, आना ही पड़ेगा, केक भी मेरे पापा लेके आ रहे, तो मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना था। तो इधर मैंने पनीर को अच्छे से भूनने के बाद जो मसाला मैंने रेडी किया था वो डाल दिया और यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया। कश्मीरी मिर्च पाउडर में पनीर का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये आधा से ज़्यादा रेडी हो चुका है, क्योंकि लास्ट में मैं इसमें और एक मसाला डालने वाली हूँ। और एक बात आप लोग को बता देती हूँ कि अभी मैं बहुत मतलब खाना बनाते बनाते मैं टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया था उस दिन। तो इधर जब इस तरह के पनीर में उबल आ जाएगा तो एक पनीर मसाला मिलता है वो वाला मैं ऐड कर दूंगी, इसमें आपका पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पता है खुशबू इतना ज़्यादा आ रहा था कि क्या बोले, पूरा घर खुशबू से महक रहा था कि कुछ अच्छा चीज़ बन जा। तो ये पनीर का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा घर में ज़रूर। और अगर कोई जल्दी जल्दी आपको कुछ बनाना होगा तो ये सब चीज़ क्या होता है, आपको फटाफट से बन जाता है और जल्दी जल्दी भी बन जाता और मेहनत भी कम लगता है। मैंने सोचा एक बार सारा खाना बना के रख दूंगी फिर मैं रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि घर में मम्मी लोग भी आ रहा और कोई कोई आ रहा, तो थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ और फ्रेश भी हो जाऊंगी, लेकिन पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो इधर मेरा पानी बिल्कुल रेडी हो चुका, मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालूंगी। गर्म मसाला मैं इसलिए डाल रही हूँ, आपको बता देते हैं, अगर कोई भी स्मेल आता है नारियल उरियल का वो स्मेल हट जाएगा और गर्म मसाला का मतलब महक से पनीर में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो यहाँ जो आलू मटर मैंने सीजने दिया था वो पूरा तरह से सीज चुका है। तो तेल में मैंने डाल दिया था तेज़पत्ता, उसके बाद मैंने डाल दिया गोटा जीरा और ये जो मसाला मैंने रेडी किया ये अदरक और टमाटर का, और उसमें थोड़ा सा जीरा भी डाला था मैंने, तो वो मसाला मैंने रेडी कर लिया था। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी तेज़पत्ता और जीरा डाल देने के बाद जो मसाला मैंने रेडी किया था अदरक टमाटर जीरा का वो मैंने डाल दिया।
तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा देर भून लेंगे। और मैंने मटर और आलू को नमक हल्दी और मिर्च पाउडर से सिझाया था जब मैंने इसको उबालने के लिए दिया था। और एक बात मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये एक टिप्स भी सुन लीजिए, क्योंकि मटर बहुत लेट मैंने भिंगाया था, इसी वजह से मैंने मटर को गर्म पानी में भिंगाया था, जब मैंने सिझने के लिए दिया था थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दिया था। आप सब सोचते होंगे कि कुकर में मैंने क्यों नहीं सिझाया, कुकर नहीं है क्या, कुकर मेरे इंडक्शन में नहीं बैठता है, बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने इसमें सिझाया था। लेकिन थोड़ा भी खाने वाला सोडा दे देने के बाद बहुत ही जल्दी जो है वो सिझ जाता है। और मटर मैंने करीब 12 बजे भिंगाया था, तो क्योंकि हम लोग का प्लान बहुत लेट हुआ मतलब ये करने में, तो सबको आएगा ये सोचे तो प्लान बहुत लेट था, इसी वजह से 12 बजे मैंने गर्म पानी से मटर को भिंगाया था और मटर में मैंने एक चुटकी खाने वाला सोडा डाला था, तो फटाक से मटर जो है सीज चुका था। तो ये मसाला बहुत अच्छे से भिंग फिर मैंने वो मसाला हो जाने के बाद मैंने जो आलू मटर उबाल के रखा था उसको डाल दिया था, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका था। फिर मैंने गरम मसाला डाला और उसको उतार लिया था। फटाफट जो खाना था मेरा बन चुका था, मतलब पनीर भी मेरा बन चुका था, खीर भी बन चुका था और मटर भी बन चुका था। अब मुझे आटा सान के रखना है, तो आटा में मैंने डाली हूँ नमक, काला जीरा। और यहाँ मैं और एक बात बता देती हूँ, आटा और मैदा मैंने दोनों थोड़ा थोड़ा लिया था, अब मैं डाल दूंगी इसमें रिफाइंड ऑयल और सबको बहुत अच्छे से मिला लूंगी। आटा अगर आपका सान के रहा रहता है तो गरम गरम पूरी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, तो मैंने सोचा आटा का डो मैंने पहले फटाक से रेडी करके रख देती हूँ। तो मेरा आटा का डो हो चुका था रेडी, इधर देखिए पनीर भी हो चुका है, खीर भी हो चुका था और मेरा छोला भी बन चुका था, सब कुछ हो चुका था। अब मुझे और एक काम बाकी था जो मुझे अभी करना था, तो ये सब करने के बाद मैंने एकदम सेटिंग करके सबको रख दिया था। इधर मैंने बेसन ले लिया कुछ, मतलब जैसे कोई भी ओकेजन में कुछ पकौड़ा टाइप नहीं होता तो मज़ा नहीं आता, तो मैंने इधर बेसन ले लिया, उसमें नमक हल्दी मिला लिया था और बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। वो मेरा बेटा को वो मैंने दिया था टेस्ट करने के लिए, तो मैं आज कुमड़ा का बनाऊंगी, बैंगनी जैसा बनता है ये कुमड़ा का बहुत अच्छा बनता है, तो मैंने कुमड़ा भी काट लिया और इसको भी रेडी करके रख दिया था। ये सब करते करते मेरा घर आ गया एक नन्ना सा गेस्ट, तो ये नन्ना गेस्ट मेरा आ गया था जो मेरे घर में काम करते हैं, उनके बेटी और उनका बेटी का बेटा हुआ था, तो उनसे मिलाने के लिए लेके आया था। तो चलिए बच्चा को मैंने आप लोग देख लीजिए, तो बच्चा बच्चा होता है, कितना अच्छा लग रहा, कितना प्यारा लग रहा था। तो ये सब आए थे हमसे मिलने के लिए मेरा घर, तो ये सबसे एक बार हम मिल लिए, ये सब कोई बहुत कोई आए थे मिलने के लिए। तो मिलने के बाद इन लोग को मैंने थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था, क्योंकि मेरा सब कुछ बन चुका था और खाली मुंह कैसे भेजा, जितना अच्छा दिन है। तो सबको मैंने खीर और छोला खिलाया और खिलाने के बाद ये सबको मैंने घर भेजा था। फिर मैंने सबके लिए चाय भी बनाया था और ये जो कुमड़ा का ये है ये गरम गरम मैं बना रही थी, वो थोड़ा देर मैंने बाद बना के रख दिया था, क्योंकि शाम को ये स्नैक्स में सबके लिए दूंगी। इधर मैंने सलाद भी काटना स्टार्ट कर दिया था और इधर फिर बेटा का केक काटना स्टार्ट हो गया, तब तक मैंने नहा धो के रेडी भी हो गया था। तो ये केक कैसा लगा जरूर बताएगा, मेरे पापा लेके आए हैं और मेरा बेटा को मैंने बहुत बोला कि एक अच्छा सा टी शर्ट पहनो, लेकिन ये टी शर्ट उसका फेवरेट है, तो बोला नहीं मुझे यही पहनना है। तो केक काटना स्टार्ट हो चुका था, तो मेरा घर वाला ही सब कोई था, बाहर का कोई भी नहीं था। मैं बाहर वाला किसी को नहीं बोला था, क्योंकि अभी मेरा मतलब मूड भी नहीं था बनाने का उतना धूमधाम से, और दूसरा बात कोई प्लान नहीं था। हम लोग सोचे मॉल में बना लिए इतना अच्छा से तो बस हो गया, लेकिन नहीं, मेरा बेटा को घर में भी बनाया था। और मेरे पापा को जब बोल दिया, मेरा पापा तो, मेरा बेटा कुछ भी बोलते तो मेरा पापा वो बात कभी नहीं काटते, मेरा पापा तुरंत सब कुछ के लिए रेडी हो चुके थे। तो इस तरह से कुछ हम लोग जन्मदिन बनाए थे। ये मेरा फुआ सस, फुआ सस का बेटा, मेरा पापा देख रहे हैं मेरे बेटा को कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बच्चा का खुशी में सब कुछ होता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वो फ्री होता है, प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप सबका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चैनल को आगे करने के लिए आप लोग का सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। और मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टा में फॉलो कर दीजिएगा। एंड ये जो भी जो कुछ भी मैंने डिनर बनाया था ये सब मेरा रेडी हो चुका था जब ये लोग आए उनके बहुत पहले, वो जाने के बाद मैंने अपने खुद को मैंने नहाया था और नहा के मैंने रेडी भी हो गया था। तो आप देख सकते हो मेरा बेटा को कैसा लग रहा था, और पता है केक काट के पहले अपने खाने लगा था किसी को नहीं दिया, पहले अपने खाया। तो ये मेरी मम्मी है तो सबको थोड़ा थोड़ा करके वो खिला रहा था। तो हम लोग इस तरह से जन्मदिन बनाए थे, और नेक्स्ट ब्लॉग भी जो आएगा वो भी जन्मदिन का आएगा, क्योंकि तीन ब्लॉग मैंने बनाया था टोटल, तो कल वाला ब्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। कल तो नहीं आएगा, परसों आएगा, तो परसों वाला ब्लॉग भी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ खास है। तो वो ब्लॉग को जरूर कंटिन्यू कीजिएगा और देखिएगा, आप लोग देखिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मेरे हस्बैंड सबको केक काट काट के दे रहे थे, और एक फैमिली का साथ कुछ भी नहीं, एक डिनर भी साथ हो जाए सबका बहुत अच्छा लगता है। तो इस दिन को हम ऐसे ही मनाए कि सबको मिलके एक डिनर किए बहुत अच्छा से, और बात किए बहुत ज़्यादा, गप सप किए, सबको मिला के बहुत मज़ा आया।
आज का दिन, क्योंकि मेरा बेटा खुश हो गया था। सबसे बड़ा बात होता है बच्चा का खुशी में माँ का सब कुछ होता है, और हम लोग मेरा बेटा का खुशी देख के हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अब मेरा हस्बैंड सब केक काट काट के दे रहा था टेस्ट करने के लिए। चॉकलेट के फ्लेवर तो बहुत ही टेस्टी बन केक लाया था, मेरे पापा लेके आए थे, ये सब कुछ मेरे पापा लाए थे। मेरा बेटा उसको लेके खेलने लगा, उसको मजा आने लगा था। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक कमेंट तो बनता है, तो प्लीज़ मेरा एक भी कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लग रहा है। और मैंने बार बार बोला आप लोग को कैसे ब्लॉग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो जो भी मुझे आगे ब्लॉग के ब्लॉग में बताए थे कि आपका ये मतलब घर टूर का या किसी का भी सब ब्लॉग मैंने बनाया था, आप लोग जैसे जैसे बोले थे। तो इस तरह से केक, हम लोग केक में ना वो जो मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ गिर गया था केक के अंदर, तो फर्स्ट लुक केक का ये था, मेरे बेटा का नाम लिखा हुआ था और गो। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया आप समझ सकते हो। फिर मैंने टेबल क्लॉथ अच्छा वाला एक नया वाला बिछाया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना पुराना वाला। मैं तो सब कुछ मैंने डेकोरेशन बहुत अच्छा घर का किया था, क्योंकि हम लोग को अपना ड्राइंग रूम में बनाने वाले थे बर्थडे का जो कुछ भी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेट कर लेते तो देखने में भी अच्छा लगेगा। मेरे पापा बैलून भी लेके आया था, तो मैंने थोड़ा सा बैलून को लगाया था क्योंकि ज़्यादा नहीं फट जा रहा था। और हम लोग का जो लीजा है जिसका घर में कुत्ता है उनको पता होगा कि फिर मैंने सारा खाना यहाँ पर सजाया था बहुत अच्छा से। जिनका घर में कुत्ता होगा उनको पता होगा, फिर पता है मैंने कितना ज़्यादा टायर्ड हो गया था। ये देखिए सारा काम करने के बाद मेरा लुक इस तरह से था। और इधर बाहर सब हम लोग थोड़ा सा गप सप कर रहे थे, केक को काट जाने के बाद मज़ा आ रहा था सबको। बाहर बहुत अच्छा हवा चल रहा था और हवा चलते चलते हम लोग मज़ा कर रहे थे। और इधर मेरा बेटा जो जो बैलून बचा हुआ था सबको तोड़ने में लगा हुआ था क्योंकि उसको भी मज़ा आ रहा था। फिर केक मैंने ये वाला क्लिप ऐड करना भूल गया था, फिर मैंने ये वाला क्लिप भी ऐड कर दिया था क्योंकि आप लोग को देखे, इसी वजह से मैंने ये क्लिप आगे पीछे थोड़ा सा हो गया था। फिर हम लोग के रात का डिनर, और रात का डिनर हो जाने के बाद बहुत लेट हो गया था। हम लोग बात करते करते उस दिन 12:30 बज चुका था, और 12:30 बजे मेरे फुआ लोग घर चले गए, क्योंकि हम बहुत बोले कि आज रुक जाइए, उनका घर सामने में है, तो बोला नहीं रुकेंगे नहीं घर चला जाएंगे। तो वो लोग भी घर चला गए थे, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद बहुत टाइम तक सबको ही मिल के बात किए, बहुत दिन बाद सबको एक साथ हुए थे तो अच्छा भी लग रहा था। और ये मेरे बेटा की वजह से हुआ, क्योंकि मेरा बेटा बोला कि नहीं मम्मा सबको बुलाइए अच्छा लगेगा मज़ा आएगा, इसी वजह से सबको एक साथ हुए थे तो अच्छा लग रहा था। तो ये वाला क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये वाला क्लिप हम मतलब देखे नहीं थे पहले, फिर बाद में जाके जब मैंने मतलब सारा ब्लॉग बना रहा था तब मैंने देखे, फिर इसमें मैंने इसको ऐड कर दिए थे। और ये था आज का कुछ वीडियो क्लिप, तो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। ये था रात का डिनर, तो हम लोग रात का डिनर में बैठ गए थे, और रात का डिनर इधर मेरा बेटा बैठा था वो मोबाइल देखते देखते खा रहा था, और इधर मेरा भाई बैठा था मानता। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में फिर अच्छा सच्चा खाने के साथ मैं प्रिया फिर से हाजिर हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच।